नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं चैनल पे हर बार कुछ ना कुछ नया करती हूँ। मेरी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। कुछ फॉलोअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम हमें मेडिटेशन पे एक अच्छी खासी वीडियो चाहिए जिसको सुन करके हम गाइड ले सके और मेडिटेशन कर सके। वैसे तो मेडिटेशन आप म्यूजिक लगा करके ब्रह्म मुहूर्त पे या फिर कभी भी एकांत में बैठ करके कैंडल जला करके शांति से भी कर सकते हैं, लेकिन गाइडलाइन होने से आपको बहुत तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में क्लियर होना, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, किसी चीज के अंदर जा करके उसको बारीकी से समझना, बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कि मैं मेडिटेशन के थ्रू आपको पूरी तरह से रिलैक्स करूंगी और यह मेडिटेशन आपके लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मेडिटेशन हमारे मन का, हमारे मस्तिष्क का इलाज करता है। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, नहीं हो, हम मेडिटेशन करेंगे तो हम कूल रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, माइंड शार्प होगा, फोकस बढ़ेगा, हर चीज में हमारा काम आसान हो जाएगा। कभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त आपको कंट्रोल होगा, बहुत सारी चीजों पर आपका खुद का कंट्रोल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेडिटेशन। सभी कोई ज्ञान मुद्रा में बैठ जाए, आंखें बंद कर ले, अपने आप को पूरी तरह से मेडिटेशन में फोकस कराए। हमारे अंदर एक एनर्जी होती है, यह एनर्जी या ऑरा हमें अंदर से प्रोटेक्ट करती है और बाहर से भी। जिनका भी ऑरा एनर्जी से भरा हुआ होता है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड होते हैं। मेडिटेशन द्वारा आप अपने अंदर की एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो, अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। जीवन में बहुत सारी कंफ्यूजन होंगे, ऐसा लगेगा कि आप भंवर में फंसते चले जा रहे हो। एक बिंदु मात्र है आपका टारगेट और वहां तक पहुंचने के लिए आपको अंदर सुरंग की ओर जाना पड़ रहा है। लेकिन असल मायने में जीवन एक बहुत ही सुंदर और लॉजिक से भरा हुआ है, जिसके मायने को समझकर धीरे धीरे अपने कदमों को आगे लेकर जाना है। रास्तों पे बहुत सारी रुकावटें हैं, बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, नदी, नाले, ऐसे अलग अलग तरीके से आपको ठोकरे लग सकती हैं, लेकिन आप एक लौ के समान हो जो अपने ऑरे में जलते रहता है। आप एक रोशनी हो, यह रोशनी आप अपने शक्ति के द्वारा उत्पन्न करते हो। जो भी व्यक्ति डिवाइनली प्रोटेक्ट होते हैं उनके ऑरे को कोई नहीं भेद सकता, किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति उसको छू भी नहीं सकती। मेडिटेशन करने आपको हमेशा कहा जाता है, गाइडलाइन दिया जाता है, ताकि आप अपने ऑरे को मजबूत बना सको। जिस रास्ते पे आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो और मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, उन रास्तों पर चलना आसान कर देता है। आप शांत, रिलैक्स और एक तेज प्रकाश के समान हो जो अपने चारों तरफ एनर्जी को फैलाता है। आप एक सकारात्मक आत्मा हो, शक्ति का रूप हो,
माँ आदि शक्ति के रूप हम सब में समाये हुए हैं, बस हमें समझने की देरी है। यही एनर्जी हमारा पावर है। किसी भी चीज को करने के लिए आपके अंदर आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाता है, आपको अंदर से कॉन्फिडेंट बनाता है। जो भी नकारात्मक लोग हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करता है। मेडिटेशन आपको आत्मिक रूप से सुकून और सुरक्षा देता है। मेडिटेशन करने वाले हमेशा डिवाइनली प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो ध्यान और मेडिटेशन करते हैं वो गॉड से भी कनेक्ट हो पाते हैं अपने 7 चक्रा हीलिंग करके। तो हमें भी अपने अंदर 7 चक्रा हीलिंग करना चाहिए ताकि हम डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट रहे और हमारे अंदर कोई भी बुरी आदतें ना हो। किसी का बुरा चाहने मात्र से हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं, और किसी का भला सोचकर निस्वार्थ भाव से कुछ करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। अपने मन में यह सोचे कि मैं एक परम शक्तिशाली आत्मा हूं, एक तेज धार में बहती हुई गंगा हूं। मेरे अंदर सहनशीलता, विनम्रता और प्रेम कूट कूट कर भरा है। मैं मुझे ना चाहने वाले लोगों को भी क्षमा करती हूं। मैं सबका कल्याण चाहती हूं। मैं सबसे प्रेम करती हूं। मैं एक प्रकाश के जैसी हूं जो दूसरों तक अपनी ऊर्जा पहुंचाकर उसे सुकून देती हूं। मैं अपने परिवार, अपने प्रियजनों का बेहतर ख्याल रखती हूं। मैं आदि शक्ति का रूप हूं। हम अपने मन से अपने लिए जो भी सुविचार लेकर आएंगे, जो भी अच्छी भावना लेकर आएंगे, उसका परिणाम हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। अब अपनी आंखें खोल ले। आई होप आपको बहुत रिलैक्स फील हुआ हो। यह मेडिटेशन हमारे अंतर मन को शांत करता है। मेडिटेशन के बाद एक अलग सी शांति आपको महसूस होती है, जहाँ पे इंसान अपना बहुत सारा चीज जो नेगेटिव वाइब हो पीछे छोड़ देता है। जितना हो सके अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखिए। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर अभी अपनी आदतें उसकी बहुत बुरी है तो वो आगे चल करके सही रास्ते पे नहीं चल सकता। जब जागो तभी सवेरा। कभी भी ऐसा नहीं होता है। ऋषि वाल्मीकि को ले लीजिए या फिर कई ऐसे लोग हैं इसके सबसे बड़े प्रमाण, जो पहले तो गलत रास्ते पे थे लेकिन अपने रास्ता बदलने के बाद उन्होंने एक सही रास्ता चुना और वो बहुत महान व्यक्ति कहलाए। अपने जीवन में हमको भी इसी पथ पे चलना है। मन में दूसरों के प्रति कोई नेगेटिविटी मत रखिए, मन साफ रखिए, जाने दीजिए। जिसे आप पसंद नहीं करते जाने दीजिए, लेकिन उसके लिए कोई नकारात्मक मन में ना रखे, बस उनसे दूरी बना ले। क्योंकि जिन जगहों पर आपको सम्मान, मान, प्यार नहीं मिलता, वहां पर रहकर अपना अपमान कराना भी बिल्कुल सही नहीं है। तो जहां से आपको लगे कि इस जगह पे मेरा कोई मान सम्मान और मेरी कोई वैल्यू नहीं है, वहां से आप सीधे चले जाएं खुशी मन से और उन्हें खुश रहने दें। ये नहीं कि हम उनको छोड़ने के बाद उसके पीछे से बद्दुआएं दे रहे हैं कि जाओ तुम हो ही कौन सी चीज, हम तुम्हें बद्दुआ देते हैं। कोई गलत भावना मन में बिल्कुल ना लाए, तभी हम एक पद ऊपर चल सकते हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं। डिवाइन आपके साथ रहेंगे हर वक्त। जो सही रास्ते पे चलते हैं डिवाइन कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि नोटिफिकेशन आते ही आप मेरे वीडियो तक जल्द पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।